Hello guys, welcome to online class 18. Today we will discuss operation of algebraic expressions. Last day we discussed about algebraic expressions and their types. We saw that algebraic expressions are of many types according to their terms and their degrees. We saw that according to term we can divide algebraic expressions into linear, according to degrees we can divide them into linear, quadratic, cubic and biquadratic. We also saw that according to term they can be divided into monomial, binomial, trinomial and polynomial, etc. So now we came here today to discuss operation of algebraic expression. What do you mean by operation? In our previous class we saw that algebra is the study of the mathematical symbols. So how do these symbols can be used? मेरा मतलब कि उन सारे symbols का plus minus into divide का use करके कैसे algebraic expression को जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कैसे उसको manipulate कर सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं. तो देखते हैं, इसके लिए हमें पहले दो key terms हैं वो हमें समझने होंगे. अगर ये दो key terms हमें समझ में आ जाता है तो आई थिंक यू हैवंट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं. पहले दो की टर्म्स क्या है, तो जो पहला की टर्म्स मैं समझाने वाला हूँ आपको, मैंने कल बताया था कि शायद ये चीज़ मैं कल बताऊँगा. फर्स्ट है कि आपको समझना पड़ेगा कोफिशिएंट. ठीक है, और सेकेंड लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल में कितना मल्टीप्लाई है, कोई भी वेरिएबल में कितना मल्टीप्लाई है उसे हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे. यानी कि कोफिशिएंट इज द मल्टीपल ऑफ एनी वेरिएबल. ठीक है, जैसे अगर हम सपोज लिखें यहाँ 4x. ठीक है, तो यहाँ पर x वेरिएबल है. मैंने बताया था कि x जो है वो वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है. तो x में कितना मल्टीप्लाई है? 4. तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखूँ -4x, तो x का कोफिशिएंट कितना होगा? -4. ठीक है, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2x² -6x + 3. ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई थिंक दिस इज क्वाड्रेटिक, राइट? Because here degree, maximum degree is 2, so this expression is called quadratic expression. So now you have to tell me what is the coefficient of x square in this expression. तो x square coefficient कितना होगा? 2 होगा. Suppose I asked you to find out the coefficient of x. सो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -6. ठीक है, x कोफिशिएंट जब भी पूछा जाएगा ना तो कोई वेरिएबल का पूछा जाएगा. जैसे x का पूछा जाएगा, x स्क्वायर का पूछा जाएगा, x का पूछा जाएगा 6 होगा, x स्क्वायर का पूछा जाएगा 2 होगा. सपोज कुछ ऐसे रहे -4xyz. अब आपसे पूछा जाएगा नहीं, z का कोफिशिएंट बताइए हमें, z का. ठीक है, किसका कोफिशिएंट बताना है? z का. तो z का कोफिशिएंट होगा -4xy. यानी z में जितने भी मल्टीप्लाई है ना सबको बता दो कितना होगा? -4xy. अगर अच्छा आपके पास ये है -16x² + 2yz + 6x. आपको बताने हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 16 है, -16 होगा. हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? -16. आपको बताने वाई का कोफिशिएंट. इस एक्सप्रेशन में वाई का कोफिशिएंट बताइए. तो वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2z. वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2z. यानी y को ढकेंगे तो 2z बचेगा ना. हाँ, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. सो नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड हाउ डू यू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल. ठीक है, कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ आप जान गए हो अभी तक. ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ. ये बहुत ही ईजी चीज़ था. लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इससे भी ईजी है. ठीक है, क्या है लाइक टर्म्स और क्या है अनलाइक टर्म्स. ठीक, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 4x 6x 16x 4xy 16xy 3yz. ठीक है, हमें बताना लाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं. Like terms are those algebraic expressions having same variables, right? Like terms वो term होते हैं जिनके variable क्या होते हैं, same होते हैं. जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों जो है ना वो like terms है. कैसे? इनका भी variable x है, इनका भी variable x है, इनका variable x है. ठीक है, हम ये दोनों को like terms कह सकते हैं, ये दोनों को. कैसे? क्योंकि इनका भी वेरिएबल xy है, इनका भी वेरिएबल क्या है, xy है. तो जिनका वेरिएबल सेम होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं. सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए 6x² - 4x 6y² - 16x² 32y² और -4y. ठीक है, आपको इसमें से लाइक टर्म्स छांटने हैं. तो लाइक टर्म्स कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए लाइक टर्म्स छाटते हैं. लाइक टर्म्स देखें, अगर एक्स स्क्वायर वाला कोई अगर मिल जाता है, हाँ देखें यहाँ पे और यहाँ पे देखें, ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स है. 6x² एंड -16x², दोनों के कोफिशिएंट x² है. अनदर लाइक टर्म्स यहाँ देखिए, और भी कोई लाइक टर्म्स है यहाँ पे, हाँ 6y² और ये 32y² है. तो ये हो जाएगा 6y² एंड 32y². और कोई लाइक टर्म है, नहीं है. तो लाइक टर्म्स कहने का मतलब जिनके कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. चाहे कोफिशिएंट कुछ भी, मतलब कि सॉरी वेरिएबल सेम होना चाहिए, चाहे वेरिएबल कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, x² हो, y² हो, z² हो, या फिर xyz हो या xy हो, सेम होना चाहिए. यानी वैसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स कहेंगे जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं. अदरवाइज उनको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं. ठीक है, अब बोलो कि सर यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ भी, तो सपोज यहाँ x है और यहाँ भी x है, वेरिएबल सेम है, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ x नहीं है, y भी है, एक्स वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं कह सकते. लाइक टर्म्स होने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, जो एक में वो सब में होना चाहिए. ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग की जो टॉपिक है ऑपरेशन, उस पर काम करते हैं. पहले मैं बताऊंगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो पहला जो हम देखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे ऐड करेंगे. ठीक है, जैसे अगर सपोज आपके पास 6x आ जाए और इसमें जोड़ना है हमें 16x, तो ये क्या है, ये x है. x का मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ लो कि कॉपी है. तो यहाँ कितनी कॉपी होंगी, 6 कॉपियाँ. यहाँ कितनी कॉपी होंगी, 16 कॉपियाँ. x को अगर हम कॉपी माने तो यहाँ पे टोटल 6 कॉपियाँ और यहाँ पे 16 कॉपियाँ, कुल मिला के कितना कॉपी हो गई, 22 कॉपियाँ. तो 6x और 16x 22x हो गया. ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी का होगा जिनमें लाइक टर्म्स होंगे, जिनमें लाइक टर्म्स होंगे. सपोज हम अगर ऐसे करना चाहते हैं 14x प्लस 16x², क्या ये संभव है ऐड होना, नहीं. इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं. मैं आगे मल्टीप्लीकेशन में बताऊंगा, डिवीजन में, अभी फिलहाल इतना ही जानना. इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते. क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो x है और इसका वेरिएबल क्या, x² है. मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए दोनों ऐड नहीं किए जा सके. चलिए अगर मैं ऐसे करूँ 14x प्लस 16x² प्लस 28x माइनस 4x², तो जब भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा ना तो लाइक टर्म्स से ही होगा. तो देखिए लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन है, 14x और 28x है ना, और दोनों का साइन प्लस है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. तो 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 42x. और देखो ये x² वाला है और ये भी x² वाला है, मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है. इसके भी वेरिएबल x² है, इसके भी वेरिएबल x². तो लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये प्लस में ये माइनस में, तो 16 - 4 कितना हो जाएगा, 16 - 4 12, और x² लिख देंगे. ठीक है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, दो स्टेप्स चाहिए. पहला तो हमें लाइक टर्म्स को ढूंढना है, जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको ढूंढ लो, और लाइक टर्म्स ढूंढने के बाद जो नंबर हैं उनका हिसाब किताब कर लो. जैसे हमने पता किया यहाँ पर क्या कि 14x और 28x लाइक टर्म है. ठीक है। तो इसका नंबर 14 है, इसका नंबर 28 है, तो 14 और 28 को ऐड कर दिए और लास्ट में x लिख दिए, है ना, 42x हो गया। हमें पता चला कि ये और ये लाइक टर्म्स हैं, तो 16 और -4 को सिर्फ हम देखें, 16 - 4 के 12 आया, x² दोनों में था तो x² आ गया। क्लियर? कुछ इस तरह अगर रहे 6xy - 42x + 4xy + 6x² - 6xy। चलिए आपको ये बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बातें आती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखिए 6xy 4xy और -6xy, ये 6xy नहीं है, -6xy, ये तीनों के तीनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो मतलब इनको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले इनको एक जगह पे हम लिख लेते हैं, ये देखिए 6xy फिर प्लस 4xy और -6xy, ठीक है। ये तीनों को हम एक जगह लिख लें, बचा हमारा ये और ये, तो इसको भी हम लिख लेते हैं -42x और प्लस 6x², ठीक है। अब क्या करो, आप इसका सॉल्यूशन कर दो, और ये तो ऐसे ही रहने वाला, क्यों, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो 6 यहाँ पे जब लाइक टर्म्स हैं, सबका वेरिएबल जो एक्स वाई है, तो हम सिर्फ नंबर का हिसाब कर लेते हैं। 6 + 4 10, 10 - 6 4 आ जाएगा 4xy, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 4xy, ठीक है। और इनसे -42x प्लस 6x, बहुत इजी है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम सिर्फ नंबर का करते हैं और वेरिएबल को वैसे ही छोड़ देते हैं। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स हमें पता रहेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। देखिए फिर ऐसे आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ सिक्स एक्स -4x² प्लस 12y एंड -12x² -4x प्लस 13y, इन दोनों का सम निकालना है हमें, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, ऐड होता है, तो चलिए इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 6x -4x² प्लस 12y, और एंड की जगह क्या है, प्लस लगेगा ना, क्योंकि सम बोला है प्लस, और यहाँ पे -12x² -4x प्लस 13y। देखिए यहाँ पे ना दो जगह चिन्ह आ गया, खराब लग रहा है देखने में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो भले हम ऐड करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसे केसेस आते हैं ना, तो आप सिंपल ये करो ना, ब्रैकेट में डालो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस है ना, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा, जैसे कि आप अगर प्लस माइनस करते हो तो माइनस आएगा, ठीक है, सही है वो भी, लेकिन जब यहाँ माइनस रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट देना आप ना भूलें, ठीक है। अब काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, 6x -4x² प्लस 12y, और देखिए प्लस माइनस माइनस 12x² प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, लाइक टर्म्स को ढूंढना। तो देखिए x वाला कहाँ पे, x वाला यहाँ है और x वाला यहाँ पर है, तो इनको एक जगह लिखो, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ 6x है, यहाँ -4x है, तो 6 -4 कितना होता है 2, और जो वेरिएबल है वो लिख दी, इनका काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर वाला के देखिए, यहाँ पे -4x² है और यहाँ -12x² है, यानी ये -4 और ये -12 है, कुल मिला के -16 हो गया ना, और x² का वेरिएबल लिख दिया। अब वाई वाला टर्म बच गया, तो 12y और 13y, 12y और 13y, कितना वाई है, जैसे 12 पेन और 13 पेन ऐसा होता है, तो हो गया 25, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे, थोड़ा सा टफ हो सकता है। एडिशन तो इजी है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, सब्ट्रैक्ट 4x² minus 6x plus 6y from 9y minus 2x² प्लस 6x कुछ अगर ऐसा है। चलो एक टर्म और मैं जोड़ देता हूँ, y नहीं y स्क्वायर जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये करना है हमें। क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना इतना, कितना में से, इतने में से। मतलब ये वाला पहले रहेगा क्योंकि इसमें से माइनस करना है ना, तो पहले आप इसको उतारो सॉल्यूशन करने के लिए। तो 9y माइनस 2x² प्लस 6x प्लस y स्क्वायर, मैंने बोला था ना ब्रैकेट में रखना। और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। माइनस ये वाला यहाँ, ये भी ब्रैकेट में जाएगा। ब्रैकेट देने के लिए नहीं भूलना, अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलती होने के चांसेस 99.9%। ठीक है, आप ब्रैकेट दो एकदम 110% की सही आंसर आएगा। ब्रैकेट हमारे लिए बहुत कुछ है। चलिए यहाँ पे इधर कोई साइन नहीं है तो ये वाला सिंपली ये हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और इनको लिखना है, तो माइनस माइनस से गुना होगा। माइनस माइनस सब जानते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और अब ये वाला माइनस इससे भी होगा, मतलब पहले इससे हुआ, अब इससे होगा, फिर इससे होगा। मतलब चिन्ह वाला चिन्ह से इंटरैक्ट तो जरूर करेगा ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4x²। माइनस माइनस क्या होगा, फिर प्लस हो जाएगा 6x, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 6y। ठीक है, अब हो गया। हम इसलिए हिसाब कर सकते हैं। क्या देखिए क्या करेंगे, अब लाइक टर्म्स को ढूंढिए। यहाँ पे लाइक टर्म में y है, तो y कहाँ है, यहाँ पे। ये वाला तो y स्क्वायर है ना, हमें y चाहिए ना। 9y माइनस 6y, 9y माइनस 6y, वाई है दोनों का वेरिएबल, मतलब लाइक टर्म्स है। तो हम नंबर देख लेंगे, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 3y आ गया। उसके बाद माइनस 2x² प्लस 4x², मतलब कि माइनस 2x² है यहाँ, और यहाँ पर कितना है 4x² है। ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब अगर लाइक टर्म्स है ये दोनों तो हम सिर्फ नंबर देखेंगे। माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, मतलब प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 हो गया ना। तो 2 प्लस में आएगा 2x², क्यों, क्योंकि 4 प्लस में है और 2 माइनस में है। 4 प्लस में है और 2 माइनस में है, 2 ही माइनस में और 4 प्लस में। तो प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस लिखा है। अच्छा x वाला ढूंढिए, x वाला कहाँ पर है, 6x यहाँ भी है, 6x यहाँ भी है, प्लस में तो 6x 12x हो जाएगा। और कोई, हाँ y स्क्वायर और है नहीं, तो सिंपली इसको उतार दो, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है। कुछ और भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, देखिए। क्वेश्चन है, हाउ मच एडेड टू 6x² minus 4x to इतना to get 15y² plus 6x minus 12x²। देखिए आपसे क्वेश्चन बोला है कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये आ जाएगा। ठीक है, हम उसमें कितना ऐड करेंगे कि वो आ जाएगा। सपोज आप इजी नंबर में थोड़ा सा लो, क्वेश्चन तो बोला है कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये आ जाएगा। आप लोग जैसे पूछा जाए 4 में कितना ऐड करेंगे कि 10 हो जाएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे कि 10 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन है इसमें कितना ऐड करेंगे कि इतना हो जाएगा, है ना। उसी तरह 4 में कितना ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, तब 10 - 4 6 को बोलोगे, 4 में 6 ऐड करेंगे तो आपने क्या किया 10 - 4 किया। इसी तरह से इसमें इतना माइनस इतना कर देंगे। ठीक है, तो पहले उसको लिखते हैं, माइनस 15y² प्लस 6x माइनस 12x² माइनस, ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, मैंने बोला था ब्रैकेट लगाने के लिए भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट तोड़िए, माइनस 15y² प्लस 6x माइनस 12x² माइनस माइनस 6x² हो जाएगा, और ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, 6x² में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x² हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4x। क्लियर हो गए चीज़ें, चलिए ठीक है, ये रहा। अब y², अब जो है हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। वाई स्क्वायर कहाँ पर है, नहीं है, तो जो नहीं है मिलता है ना उसको वैसे ही उतार दो। ठीक है, 6x, x वाला कहां पर, यहाँ पे प्लस 6x है, यहाँ प्लस 4x है, कुल मिलाकर प्लस 10x हो गया। अब यहाँ 12x² है, यहाँ माइनस 6x² है, मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और लाइक टर्म से दोनों, तो माइनस और माइनस क्या होगा, टोटल 18x² हो जाएगा ना। सपोज 12 रुपये भी कर्ज है, 6 रुपये भी कर्ज है, कुल मिलाकर 18 रुपये कर्ज होगा, माइनस को कर्ज समझो, और x² आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं ना, काफी सिंपल है। इसी तरह से रहेगा हाउ मच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टेड वाला में क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है, फ्रैक्शन में पढ़े थे ना। जब एडेड का पूछेगा तो ये वाला पहले लिखना है, ये वाला बाद में लिखना है। और जब सब्ट्रैक्टेड पूछे हाउ मच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, तो वो डायरेक्ट आप ये कर लो। वैसे एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप बना के देना मुझे एज ए होमवर्क, आप समझ लो। हाउ मच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -20x² प्लस 4y टू गेट 12 माइनस 12y² माइनस 4x प्लस 2x², ठीक है, ये हो। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इतना माइनस इतना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कहाँ देना, कमेंट में देना, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया है। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप एक बार हमसे क्लियर जरूर करवा लेना, पूछ लेना। आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के बाद हम देखेंगे डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे, कोफिशिएंट है ना। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे सपोज आपको मिल गया, पहले हम देखते हैं मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मोनोमियल को ट्राइनोमियल से, ठीक है। तो पहला है, पहला जो है वो मोनोमियल इनटू मोनोमियल, बहुत आसान है मोनोमियल इनटू मोनोमियल। जैसे सपोज 4x इनटू 6x, ठीक है। तो पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 जा 24, और x x दो टो आया मतलब x², अगर x 3 टो रहेगा तो x के ऊपर 3 मतलब क्यूब, x अगर 4 टो रहेगा तो फिर x 4। दूसरा -16x² इंटू 42y, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा। तो क्या करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 42, और माइनस में तो आंसर आनी ही है, 16 2 जा 32 का 2 हाथ में 3, 16 4 जा 64, 67, और x² और y इन दोनों को सिंपल चिपका दो, x² y बन जाएगा, ठीक है। x² इंटू y बचा था ना, x² y हो जाएगा। मैंने बताया था ना, इंटू का जो साइन होता है वो डिफॉल्ट होता है, कल मैंने बताया था, तो ये x² y हो जाएगा, तो वही x² y हो गया। यहाँ पे इसमें जो है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखना ही नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले लाइक टर्म्स में, लाइक टर्म्स वाले को छाटिए, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कोई लाइक अनलाइक नहीं, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -20x इंटू 4y², समझ लीजिए ऐसे है। तो -20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -18, और x इंटू वाई स्क्वायर, x वाई स्क्वायर, ठीक है। इजी है, समझ में आ रही है, हाँ, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर 4x है इंटू 6x प्लस 2, देखिए ये बाइनोमियल है और इसको इंटू करना है, ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है। तो यहाँ पे जिनको बाइनोमियल वगैरह जब आता है मोनोमियल से ज़्यादा वाला टर्म, एक टर्म से ज़्यादा आता तो ब्रैकेट लगाना नहीं बोलते हैं, जो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल रहेगा। तो 6x + 2 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 4x। तो 4x जो है ना, ये 4x ये 6x में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि 4x सिर्फ 6x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, या फिर ऐसे कभी मत लिखना 4x × 6x + 2। इसका मतलब हुआ खाली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 तो छूट जाएगा, ये गलत है, ब्रैकेट हमको यहाँ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 4x × 6x कितना हो गया, 4×6 = 24 और x × x x स्क्वायर। कुछ लोग तो 24x लिख के छोड़ेंगे, है ना, गलत हो जाएगा ना, x × x x स्क्वायर और फिर प्लस का साइन है बीच में, प्लस 4x फिर इंटू होगा 2 से। अभी 4x 6x के साथ इंटू हो गया, अब 4x के साथ इंटू होगा 2 से, तो 4×2 = 8x। ठीक है, और देखें -4y × 6x + 2x स्क्वायर। देखिए ये इंटू करना है, मतलब कि जो -4y है वो -4y × एक बार 6x होगा और -4y × एक बार 2x स्क्वायर होगा। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, -4y एक बार किससे इंटू होगा, 6x से इंटू होगा, अब बीच में साइन जो है वो वही रखना है, और -4y फिर एक बार इंटू होगा किससे, 2x स्क्वायर से। मतलब ये वाला चीज़ पूरा इससे और इससे, हमने इसमें ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है। यहाँ ही ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट वाला का माइनस में रखना, मतलब माइनस वाला ब्रैकेट में रखना। तो अभी -4y इससे भी इंटू हुआ और -4y इससे भी इंटू हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4×6 = 24 यानी -24xy, ठीक है। अब देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 × 2 = 8 और x स्क्वायर y। क्लियर, समझ में आ रही है। इसी तरह ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बता रहा हूँ। अगर चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं तो आप ये वाला चीज़ देखो, ट्राइनोमियल वाला, शायद इसमें क्लियर हो जाए। x × 4x + 6 + 3y, तो पता है x इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, मतलब क्या हो गया, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, है ना। तो देखिए पहले x × 4x लिखेंगे, फिर प्लस, फिर x × 6 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर x × 3y लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 कुछ नहीं है यहाँ पे तो 4 और x क्या होता है, x स्क्वायर, मल्टीप्लाई है ना, ऐड में x ही रहता है। तो ये क्या हो गया, x × x स्क्वायर प्लस 6 × x 6x प्लस 3 और x और y मिलके x y मिल जाता है। सपोज अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता है, यहाँ पे माइनस रहता, -x × 4x + 6 - 3y रहता, तब क्या करते हैं। तो बस जैसे इसमें किया वैसे ही करना है, -x एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे, फिर इससे। तो -x × 4x, तो ये लिखेंगे -x × 4x, बीच में साइन है प्लस का, प्लस कर देंगे, फिर -x × किससे होगा, 6 से, फिर बीच में माइनस का साइन है माइनस, फिर -x × 3y, ठीक है। मतलब जो जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। चलिए तो हम ये अब कह सकते हैं -x × 4x क्या होगा, माइनस में आएगा, और x × 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 6x, और देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 3xy, x और y को गुना करेंगे तो xy ही होगा ना। ये चीज़ें हो गई, मतलब अभी हमने मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल भी देख लिया। चले देखते हैं अब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ठीक है। आप लोग ठीक से ध्यान से पढ़ो, बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो मैं होमवर्क देता हूँ ना, इस पे वो करके आना है आप लोगों को, ये तो सबको कान उठ बैठ करवाऊंगा मैं। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मतलब दो टर्म को दो टर्म से, जैसे क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 6y, ये देखिए ये भी बाइनोमियल ये भी बाइनोमियल। अब इन दोनों को हमें इंटू करना है, तो सबसे पहले x इन दोनों से इंटू होगा, फिर 2 इंटू होगा इन दोनों से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सिखाता हूं आप लोगों को, x को पहले इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 4x प्लस, प्लस का साइन है, फिर x इंटू होगा 6y से, तो x इंटू 6y। ठीक है, ये हो गया, मतलब x का इंटू 4x के साथ भी हो गया और x का इंटू 6y के साथ भी हो गया। अब हमें करना है 2 का इंटू 4x से और 2 का इंटू 6x से, मतलब x का दोनों से हो गया। अब 2 का करना है इससे और इससे। देखने में तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन ईजी है। 2 इंटू 4x प्लस का साइन है, 2 इंटू 6y हो गया। अब सॉल्व कर दो, x इंटू 4x तो 4 है यहाँ पे और x x क्या हो जाएगा स्क्वायर, x इंटू 6y तो 6 यहाँ पे हो जाएगा और x y दोनों ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 4 जा 8 और कुछ नहीं था तो x, प्लस 2 6 जा 12 और कुछ नहीं। देखिए इनमें से कोई भी लाइक टर्म नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है तो छोड़ देंगे ऐसे ही, लाइक टर्म्स आता तो जोड़ के रखते हैं लेकिन अब ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज क्वेश्चन रहेगा 6x माइनस 2y 4x माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे क्वेश्चन। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6x एक बार 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वो माइनस वाई स्क्वायर है ध्यान रखना। तो 6x पहले 4x से करते हैं तो 6x इंटू 4x हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6x को 4x से किया, अब 6x को वाई स्क्वायर से करेंगे लेकिन यहाँ पे मिल गया माइनस, तो माइनस लिखना पड़ेगा 6x इंटू, क्लियर। कोई दिक्कत, अच्छा ऐसे नहीं समझते हो, ऐसे समझो ना, जैसे 6x को 4x से किए हो गया, प्लस का साइन लिखो। अब 6x से किससे करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर नहीं माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो 6x इंटू माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में रखे थे है ना यहाँ पे। अच्छा अब माइनस 2y को 4x से करना है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2y को करना है 4x से, मतलब माइनस 2y को इससे और फिर माइनस 2, फिर माइनस 2y को करना है माइनस वाई स्क्वायर। देखो हमने यूज किया है हमें प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, अब प्लस प्लस 3 जगह हमने यूज किया है, और जहां जहां माइनस जो था माइनस वाई स्क्वायर था तो माइनस वाई स्क्वायर रखा मैंने, माइनस 2y था तो माइनस 2y रखा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अब बताइए 6 4 या कितना हो गया 24 और x इंटू x क्या हो गया x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट 6 इंटू यहाँ तो कुछ नहीं है तो 6 रखो, हाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, पहले साइन को देखना है, और 6 और x वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2y इंटू 4x तो 2 4 जा 8 एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा तो 2y इंटू वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2y इंटू वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y, यहाँ 2 और यहाँ पे y कुछ नहीं एक ठो, कुल मिला के y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2y क्यूब। समझ रहे हो मेरी बात को, okay। ये चीजें समझ में आ रही हैं। इनमें से कोई लाइक टर्म नजर आ रहा है, कोई नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो ये हो गया बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। इसी तरह से हम लोग बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कर सकते हैं। देखिए ऐसे बाइनोमियल इंटू क्या करना है हमें, ट्राइनोमियल करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3 और इंटू माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 30x। देखिए ये बाइनोमियल है और ये क्या है, ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है। तो वैसे ही हम लोग करेंगे 2x को एक बार 6y स्क्वायर से, फिर इससे, फिर इससे, तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा पहले 2x को। तो ठीक है, जैसे जैसे वैसे वैसे कर लेते हैं। 2x इंटू माइनस 6y स्क्वायर हो गया, प्लस फिर 2x इंटू 4y प्लस 2x इंटू माइनस 30x हो गया। अब 3 को करना है, अब 3 को इससे, इससे और इससे, तीनों से, फिर 3 को, क्योंकि 2x से सबको कर लिया, अब 3 से करना है। तो 3 इंटू माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 6y स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस माइनस, फिर 3 इंटू प्लस 4y, तो यहाँ लिखते हैं प्लस 3 इंटू 4y, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 30x, 3 इंटू माइनस 30x हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, आप खाली निकाल लेना है इसमें। देखिए माइनस को यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस पहले इंटू का काम होता है ना बोर्ड मार्क्स, पहले इंटू करेंगे, कुछ नहीं दिया, माइनस है माइनस, और 2 6 12 और x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, सिंपल x इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। मैं देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर सिंपल x इंटू एक्स रहेगा ना तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू वाई रहेगा ना तो एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर रहेगा ना तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब रहा ना तो ये 3 और ये 2 5, वाई का पावर 5 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट में पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक, ये देखते हैं, टू इंटू 4 8 और एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे आए तो यहाँ माइनस मिला, मतलब प्लस माइनस माइनस होने वाला है। 2 से 30 बार मल्टीप्लाई करेंगे 60, और एक्स इंटू एक्स, एक्स 2 बार तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर यहाँ पर आए तो प्लस माइनस माइनस मिला हमें, 3 इंटू 6 18 होता है ना, बहुत ईजी था। अब प्लस 3 4 12 वाई, और देखिए यहाँ पर आए तो माइनस मिला तो माइनस प्लस माइनस, 3 से 30 बार मल्टीप्लाई करें 90x। अब इनमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको छाट लीजिए। देखिए वाई स्क्वायर और कहीं नजर आ रहा है, हाँ यहाँ पर नहीं, नहीं कहीं नहीं है, ये तो एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, एक्स वाई कहीं है नहीं है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, अगर रहता तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। फिर इसी तरह से हम लोग ट्राइनोमियल मान लीजिए रहेगा यहाँ पर, ट्राइनोमियल तो पहला को तीनों से, फिर दूसरे को तीनों से, फिर तीसरे को तीनों से, ठीक है, ऐसे ऐड करेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज अगर 4 का स्क्वायर है तो मतलब 4 इंटू 4 होगा ना, 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 होगा। इसी बेसिस पे हम लोग चलते हैं। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले होता है ना, या फॉर्मूलाज भी होता है। चलिए ठीक है, तो पहला है a प्लस बी का हमें होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये निकाला है। सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, बट आया कहां से वो देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का इंटू a प्लस बी से, मतलब a प्लस बी 2 बार, तो पहले a इनसे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, इससे भी और इससे भी गुना होगा, दोनों से। तो a इंटू ए हो जाएगा, फिर प्लस a इंटू बी हो जाएगा। अब b का गुना होगा a से, अब b का गुना होगा b से, तो b इंटू ए हो जाएगा, अब b इंटू बी हो जाएगा। चलिए a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, प्लस a इंटू बी क्या होगा, ए बी, प्लस b इंटू ए क्या होगा, तो भी ए बी, बी ए होगा ना, बी ए, तो बी को ए भी लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब देखिए इनमें से कोई लाइक टर्म से तो ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर है नहीं है, चलिए ए बी और ए बी मिलकर 2ab, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ए के भी यहाँ, ए के भी यहाँ, कुल मिला के 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। मतलब हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां से आया था ये आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं आगे डिवीजन का क्लास में आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्मूला बाकी हैं। डिवीजन का क्लास मैं कल दे पाऊंगा। आज मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहला a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी गुना a माइनस बी, इससे आपको a माइनस बी का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। दूसरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और तीसरा आपको a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है, मतलब क्या होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप पहले से ही कर लिए हो, ठीक है। वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके हमें बताना है कि क्या होगा। कुल मिला के 3 क्वेश्चन होमवर्क मिला है। ए को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर बी को मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड वैड होगा तो ऐड कर लेना लाइक टर्म्स को, इससे आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये होमवर्क आप लोग हर हाल में कर लेना, ठीक है। अभी इस लॉकडाउन में अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे, आपको पढ़ना ही होगा सारा एनर्जी स्टोर करके। अभी सब जगह ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपको पीछे रहने का शौक तो नहीं है ना। ये 20 से 25 30 मिनट यार 24 घंटे में 2 घंटा पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे। यहाँ वीडियो लेक्चर आपको मैं आधे घंटे का भेज रहा हूँ, 40 मिनट का भेज रहा हूँ, 50 मिनट का। अरे 2 वीडियो जाते तो 1.5 घंटा का। जो दिक्कतें हैं मैं रेडी हूँ बताने के लिए। पूछिए जो दिक्कतें हैं, नहीं बना के दोगे तो कैसे होगा। फिर रिजल्ट खोजोगे, एग्जामिनेशन होने वाले, फिर कैसे हो पाएगा, फेल करोगे, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मन लगाकर पढ़िए ताकि अच्छे रिजल्ट आ जाए और कामयाबी मिले, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।